साहित्य एवं कला की हर खबर सिरे आपके पास डायनामिक संवाद टीवी के साथ। ये भूमि है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान की। यह भूमि है जहां अवतार मेहर बाबा के चरण पड़े। ये भूमि है आचार्य रजनीश महर्षि महेश योगी की कृपा बरसी। ये भूमि है जहां आज भी वाणी गुंजित है व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, कवि डॉक्टर रामेश्वर शुक्ल अंचल, कथाकार ज्ञान रंजन, साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार सुमित्र, महाकवि आचार्य भगवत दुबे। आइए ऐसे ही शहर से हम शुरू कर रहे हैं डायनेमिक संवाद टीवी, जो साहित्य का नया चैनल है। आखिरी में केवल इतना की कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। तो ऊर्जावान कौन हुआ, युवा कौन हुआ, तो सारी परिभाषाएं आज उलट पलट हो रही। जिसके 5 विश्वविद्यालय भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, खंडवा में सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर में सीवी रमन यूनिवर्सिटी, हजारीबाग में सीवी रमन यूनिवर्सिटी और पटना में आईसेट यूनिवर्सिटी। हमने अपना जो आइकॉन रखा है वो नोबेल प्राइज विनर रखा है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर और सीवी रमन को एक आदर्श के रूप में लेकर उन्हीं के नाम पर सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए। विश्व रंग कला फिल्म और साहित्य का एक महोत्सव नवंबर में आयोजित है, जो 6 नवंबर से 11 नवंबर तक भोपाल में किया जा रहा है। उसके पूर्व रंग में 7 से लेकर 22 नवंबर तक हमने देश के 5 बड़े शहरों में भोपाल, खंडवा, बिलासपुर, हजारीबाग, पटना में एक पुस्तक यात्रा की शुरुआत की है, जो 7 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर को उसी शहर में वापस पहुंचती है, और जिन शहरों में पुस्तक यात्रा नहीं पहुंच पाई है उन शहरों में मेरे जैसे प्रतिनिधि पहुंचकर वहां के शहरों के साहित्यकारों को और पढ़ने लिखने वाले को लोगों को इकट्ठा करके एकत्र करके एक गोष्ठी का आयोजन करें। जबलपुर में यह आयोजन ठीक इसी तरह का एक आयोजन है। विश्व रंग में लगभग 60 सत्र आयोजित होंगे और लगभग 50 देशों के रचनाकार इसमें आमंत्रित हैं जो आ भी रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा रचनाकार इस आयोजन में जुटेंगे, जिसमें विश्व कविता, अनुवाद, बोलियों पर एक थर्ड जेंडर पर भी इसमें सत्र है, मुशायरा, चित्र प्रदर्शनी, लोक संगीत और विज्ञान पर भी इसमें सत्र आयोजित हैं। तो मैं सबको उसके लिए आमंत्रित करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आप लोग आशीष दें, आप लोग सहयोग दें ताकि ये कार्यक्रम सफल हो सके। धन्यवाद। साहित्य पत्रिका है, इसमें हमारे हस्ताक्षर श्री विवेक चतुर्वेदी जी भी उपस्थित हो गए हैं। आपका अभिवादन करते हुए आपको मंच पर स्वागत आमंत्रित करता हूँ श्री विवेक चतुर्वेदी जी।
इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए इसके संपादक हैं श्री संतोष। खबरदार होशियार, कोई भूले से ना आए इधर कि पहरा है इनका रात पर। नींद हराम किए हुए है आज ये कि आज ही जागी है ये अपनी नींद लज्जा और कुंठा से। आज ये कही जा सकती है लाज बनती कि आज ही ये साबित होगी निर्लज। इस कस्बे से जा चुकी बारात, ब्याहने दुल्हन जा चुके, लोकजन जा चुके, घराती बच्चे बूढ़े पप्पा आजा दादा काका मामा पप्पा भैया सज धज जा चुके बारात। शेष रह गए जो कर्म जले दुर्भागी, उनकी नहीं है खैर। शेष रह गए जो कर्म जले दुर्भागी, उनकी नहीं है खैर। वे निकल जाएं गांव से अभी के अभी, जा सो पड़े रहे खेत खलियान मचान पर। आ जाएं तो आ जाएं बुरी आत्माएं ठेंगे से, देख ले आज इनका हड़दम खूब जमेगा रहे। कर ली है तैयारी इन्होंने रात की, रच लिए हैं स्वांग पहरेदारी पर तैनात बूढ़ी काकी। मुन्नी माँ ले आई साफा, गमछे में बांध रखी है कटार। बब्बा के पुराने कोट में ठूस लिए है पान, हिफाजत से रख ली है काजल की डिबिया मूछ बनाने को। इत्र के फाहे ठूस लिए है कान में कि आज ये दूल्हा रजा ही लेगा अपनी नव विवाहिता। पहले ही दे आ चुकी लिल्लू की बाई, घर घर बलौआ गोरैया है आज चली आई हो। आँख मार कह आई संगातियों को कि खूब उठेगी छनेगी जी भर, जरूर आना करेंगे रास लीला में। सूरज डूबने के साथ ही डूब चुकी लाज, कोई मत जाना उसो गौरैया है आज। दोहली गई है गायें बछड़े को दूध पिलाकर, साफ कर ली गई है लालटेने कि बिजली गुल हो जाने पर बंदोबस्त। जला दी गई है नीम की पत्तियां ताकि भाग जाए मच्छर। खींच दी गई है सरहदे आंगन आंगन, नारियल की रस्सी बांध दी गई है खूंटे गाड़ कर। तोते को दे दी गई हरी मिर्च और फलियां, थोड़ा सा दाल भात वृद्ध आजी को पथ। मंझली ने सुना भी दी है गालियां झुंझला कर कि सो भी जा बुढ़ऊ अब भला तेरा क्या काम। तो भैया और बिन्ना हो चुकी पूरी तैयारी, खैर नहीं है आज दुल्हन की, आज ही होगा सही माने में रत जगा। युगों युगों से दबाई गई कुंठाएं तोड़कर बाहर आएंगी त्वचा की चार दीवारी। देखकर गदगद हो जाएंगी भटकी आत्माएं, रम जाएंगी इस केली कीड़ा के उपक्रम और प्रहसन में। जा ना सकेंगी हल्दी भरे अंग दूल्हे के संग। और दूल्हा, दूल्हा जो बना है गोरैया में, कौन पुरुष ही है वह जागेगा एक स्त्री देह से आज। सो खबरदार ये देता हूँ कि कोई ना जाए उस तरफ, आज यह रात सुहागिनों के जागने की है, यह समय भटकती आत्माओं के सो जाने का है। कविता का शीर्षक है पक्के घर। पक्के घरों में कच्चे घर, पक्के घरों में कच्चे घर, रोज सुलगते चूल्हे अलग अलग, अपनों को ही करते दरकिनार हैं। सच होती है उम्मीद भविष्य देख लेती है, उनको है एहसास कोई नहीं पूछता एक दूसरे का सुख और दुख। घर का मांगा जाएगा हिसाब पक्के घर का, अपनों से ही छुपाते अपनी बात। रोज रोज होती घर में जंग, फिर भी है पक्के घर में आदमी, ऐसे में होती मन में घुटन। माँ पिता को कौन खिलाए कौन सुलाए कौन दबा कराए, इसी बात पर रोज रोज होती लंबी बहस। मैं गुम हो गया हूँ अपने पक्के घर, मैं गुम हो गया हूँ अपने पक्के घर। परिवर्तन का अलग घूमा, सारी हवा बदली फिजा बदली और मेरा गांव भी बदल गया। अब कोई नहीं जाता हल लेकर खेतों में, नहीं चुनती कोई माँ खेतों में रोटी पहुंचाने को। जबरन पैर पसारे शहर की फैक्ट्री के सामने हुजूम लगाते हैं गांव के लोग, शायद कोई काम मिल जाए। पीछे रह जाती है माँ बहनें पत्नी और बेटियां। बदली है हैंडपंप की आवाज भी, शायद अंदर के पानी ने भी अपनी राह बदल ली है। नदी घाट पर दिखते बस इक्के दुक्के लोग, बस अब नदी का रेत चुराने का काम कर रहे हैं वो लोग। अब चौपाल में नहीं होता कोई फैसला, शहर से आकर पुलिस
खुद ही खदेड़ देती है लोगों को। दिन भी ऊब जाता है खुद से, तभी तो भारी भारी कदम उठाती है गांव में। किससे बातें करे, किससे बतियाएं, हवा सिर मारती रहती है पेड़ों से। रात अंधेरे में लौटते हैं जब गांव के लोग शहरों से, तो गुलजार नहीं होता गांव अब। लौटते हैं लोग कुछ थके हारे, कुछ नशे में बेशुद्ध, और मुखर हो जाती है रात सिसकियों की आवाजों में। मैं पहली जो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वह युद्ध पर। युद्ध के मायने सबके लिए अलग होते हैं, पर स्त्रियों के लिए भीषण होते हैं। युद्ध तुम्हारे लिए देश कान का ओजपूर्ण स्वर हो सकता है, पर मेरे लिए अंधेरे में अपनी देह का दफनाना है युद्ध। तुम्हारे लिए तेज धौंकती आवाजों के बीच साहस और बलिदान का गान हो सकता है युद्ध। मेरे लिए एक लिफाफ के सिले हुए मुंह के अंदर देह की बेचारगी और भूख का व्याकुल गान है युद्ध। तुम्हारे लिए धरती झंडा डंडा की महिमा गान है युद्ध। मेरे लिए योनि स्तन और मरती हुई देह का विलाप है युद्ध। तुम्हारे लिए जीवन जीविका और देशभक्ति का लिजलिजला स्वप्न है युद्ध। मेरे लिए हर क्षण जीवन से मृत्यु पाने की मर्मांतक पीड़ा की निरुपायता से उपजी सिसकी है युद्ध। हम अंधेरे में बहुत साफ देख रहे होते हैं राष्ट्र उन्माद के नग्न नृत्य के पार्श्व में खड़ा क्रूर शासक, पर तुम अपने फेफड़े से आ रही सांसों को झुटलाते हो, उजाले को देते हो चकमा, और अंधेरे में भुनाने अपने रुग्ण पौरुष को खोजते हो एक देह युद्धवीर। ये देह, ये अपराजेय देह पृथ्वी का सबसे बड़ा सच है। आपके सामने अभी वसीयत रखने जा रही हूँ। मेरे मरने के बाद खंगालना मेरा कमरा, टटोलना हर एक चीज। मेरे मरने के बाद खंगालना मेरा कमरा, टटोलना हर एक चीज। घर भर में बिन ताले के मेरा सामान बिखरा पड़ा है। दे देना मेरे ख्वाब उन तमाम औरतों को जो किचन से बेडरूम तक सिमट गई, अपनी दुनिया में गुम गई है। बांट देना मेरे ठहाके वृद्धाश्रम के उन बूढ़ों में जिनके बच्चे अमेरिका के जगमगाते शहरों में लापता हो गए हैं। टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे, इस रंग से रंग देना उस बेवा की साड़ी जिसके आदमी के खून से बॉर्डर रंगा हुआ है, तिरंगे में लिपट कर वो कल शाम सो गया है। शोखी मेरी, शोखी मेरी, मस्ती मेरी, भर देना उनकी रग रग में, झुके हुए हैं कंधे जिनके बस्तों के भारी बोझ से। आंसू मेरे दे देना तमाम शायरों को, आंसू मेरे दे देना तमाम शायरों को, हर बूंद से होगी गजल पैदा मेरा वादा है। मेरा मान मेरी आबरू उस वेश्या के नाम है, बेचती है जिस्म जो बेटी को पढ़ाने के लिए। इस देश के एक युवक को पकड़ के लगा देना इंजेक्शन मेरे आक्रोश का, पड़ेगी इसकी जरूरत क्रांति के दिन उन्हें। दीवानगी मेरी, दीवानगी मेरी हिस्से में है उस सूफी के, निकला है जो सब छोड़कर खुदा की तलाश में। बस बाकी बचे मेरी ईर्ष्या, मेरा लालच, मेरा क्रोध, मेरे झूठ, मेरा स्वार्थ, तो ऐसा करना उन्हें मेरे संग ही जला देना। नदी की धार सी लहरा रही है, नदी की धार सी लहरा रही है, मुसलसल उम्र जाती जा रही है। नदी की धार सी लहरा रही है, नदी की धार सी लहरा रही है, मुसलसल उम्र जाती जा रही है। ओ बला की जादुई नागिन रुपहली चमकती सरसराती जा रही है। भला की जादुई नागिन रुपहली चमकती सरसराती जा रही है, नजर में रोक लो दो बूंद पानी ये अपने आप से कतरा रही है। नजर में रोक लो दो बूंद पानी ये अपने आप से कतरा रही है।
नजर में रोक लो दो बूंद पानी, भला की जादुई नागिन रुपैली चमकती सरसराती जा रही है। नदी की धार सी लहरा रही है, मसलसल उम्र जाती जा रही है। भला की जादुई नागिन रुपैली चमकती सरसराती जा रही है। नजर में रोक लो दो बूंद पानी, ये अपने आप से कतरा रही है। नजर में रोक लो दो बूंद पानी, ये अपने आप से कतरा रही है। शरारत कर नहीं पाता है बचपन जवानी, जिद नहीं कर पा रही है। शरारत कर नहीं पाता है बचपन जवानी, जिद नहीं कर पा रही है। न जाने कौन पहरा दे रहा है, न जाने कौन पहरा दे रहा है कि आहट धड़कनों से आ रही है। न जाने कौन पहरा दे रहा है कि आहट धड़कनों से आ रही है। और हमारी रूह यूं दहशत ज़दा है, हमारी रूह यूं दहशत ज़दा है, हमी को बेड़ियां पहना रही है। हमारी रूह यूं दहशत ज़दा है, हमी को बेड़ियां पहना रही है। और आखिरी शेर कि परिंदे आदतन बैठे हुए हैं, परिंदे आदतन बैठे हुए हैं कुदरतन शाखे को मुरझा। स्त्रियों ने प्रेम करने से मना कर दिया है, ये कल्पना है, बड़ी डरावनी कल्पना है। स्त्रियों ने प्रेम करने से मना कर दिया है और बंजर होती जा रही है भूमि। स्त्रियों ने प्रेम करने से मना कर दिया है और बंजर होती जा रही है भूमि। कैक्टस उगाए धान का नींदा लगाते, सहसा थम गए हैं स्त्रियों के गीत, और एक पूरी दुनिया के बच्चे महाभूख चिल्ला रहे हैं। स्त्रियां पांव मोड़कर लेट गई हैं और बिना बटनों की कमीज पहने भागे जा रहे हैं बदहवास पुरुष। स्त्रियां पांव मोड़कर लेट गई हैं और बिना बटनों की कमीज पहने भागे जा रहे हैं बदहवास पुरुष। स्त्रियां लिपटे बिछावन लिए बैठ गई हैं और एक पूरी सदी हो रही है उन्हीं की। आज नहीं खींच रही है स्त्री कुएं से जल और सूखे घड़े दरकते जा रहे हैं। आज नहीं खींच रही है स्त्री कुएं से जल और सूखे घड़े दरकते जा रहे हैं। किसी सुबह सहसा चौंक कर जागेंगे इस महाभय के साथ, तो फिर रुकी हुई सांस लेंगे कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के कार्यक्रम में आईसेक्ट सोसाइटी, आईसेक्ट संस्थान, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अर्बन माली सृजन पीठ का के तत्वाधान में विश्व रंग आयोजन हो रहा है। ये महोत्सव भोपाल में आयोजित होगा। इस महोत्सव में लगभग 500 से अधिक रचनाकार सम्मिलित हो रहे हैं। 50 से अधिक देशों के लेखक इसमें सम्मिलित होंगे और 50 से अधिक ही सत्र इस आयोजन में आयोजित किए गए हैं। इस सत्र में विज्ञान सत्र, थर्ड जेंडर का रचना पाठ, मुशायरा, विश्व कविता पर बातें और गद्य पर भी बातें। इसी महोत्सव में हम कथा देश का भी विमोचन करेंगे। ये जो कथा देश है वो एक कथाओं का कोष है जो कि देश भर के रचनाकारों जिस इसमें शामिल हैं और लगभग 18 खंडों में ये रचना कोष प्रकाशित होगा। इसके पूर्व हम कथा मध्य प्रदेश का भी प्रकाशन कर चुके हैं और उसमें देश मध्य प्रदेश के लगभग 128 रचनाकार की कहानियाँ और लगभग 70 आलोचकों के लेख उसमें शामिल हैं। हमारा ये इस तरह का प्रयास संस्कृति और साहित्य का चलता रहता है। आप सहयोग करते रहते हैं, उसके लिए आभार। मैं वनमाली स्मृति संस्था की तरफ से डॉक्टर शिशिर मुखर्जी, जबलपुर संभाग का संयोजक हूँ, बोल रहा हूँ। और वनमाली स्मृति के इस प्रथम कार्यक्रम में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वनमाली स्मृति का आयोजन एक नए पृष्ठ का उद्बोधन कर रहा है। जबलपुर में वनमाली स्मृति पीठ एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी करने वाली है, जिसमें विश्व के प्रमुख देशों के कथाकार साहित्यकार भोपाल में एकत्रित होंगे और उसमें एक जिसमें जैसा कि मोहन सगुरिया जी ने बताया है और उसका 5 दिनी कार्यक्रम वहाँ आयोजित होगा और देश के और प्रदेश के विभिन्न कथाकारों को वहाँ निमंत्रित किया गया है, जो एक विशाल आयोजन होगा। इसी श्रृंखला का उद्बोधन हमारे जबलपुर में
किया जा रहा है। आईसेक्ट विश्वविद्यालय के आईसेक्ट की तरफ से हमारे निशांत श्रीवास्तव जी और मोहन सगुरिया जी इसका आयोजन करने में जबलपुर में आए हुए हैं और इन्होंने बहुत उत्तम तरीके से, अत्यधिक आनंदित तरीके से इसका आयोजन किया है। धन्यवाद। जबलपुर में वनवाली सृजन पीठ और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में साहित्यिक कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम यहाँ जबलपुर में भी एक आयोजन आज कर रहे हैं और इसमें हमने गद्य और पद्य की अनेक विधाओं को शामिल किया है। व्यंग पाठ है, कहानी पाठ है, संस्मरण का पाठ है, कविताएं हैं, गज़लें हैं और एक कविता पर बनी हुई संक्षिप्त फिल्म भी यहाँ दिखाई जा रही है। और किताब यात्रा के तौर पर जो आयोजन पूरे प्रदेश में चल रहा है उससे लोगों के बीच में किताबों की लोकप्रियता के लिए, लोगों को किताबों से जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर ऐसा ही एक कार्यक्रम है और नगर के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दैनिक सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे, मन को जारी रखेंगे संपाद।